में मोदी जी के नेतृत्व में और 2025 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार और देश को फतह करेगा, ये निश्चित तौर पे। घमंडिया सरकार जो गठबंधन बना के जो अपना जो विचारधारा जो बिहार में चलाना चाह रही है, उस विचारधारा को हम लोग को अपने बिहार में नहीं देना है। जड़ से खत्म करने का जिम्मेवारी हम युवा मोर्चा के आज कंधों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। बिहार बीजेपी कार्यालय में आज संगठन का विस्तार हुआ। वहीं इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीमांत शेखर को बनाया गया। वहीं इस मौके पर सीमांत शेखर ने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने। आदरणीय बड़े भाई युवा मोर्चा के दुर्गेश सिंह जी, हमारे पूर्व के युवा मोर्चा के साथी, युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों पर पदाधिकारी के रूप में काम करते हुए और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश के मंत्री आदरणीय बड़े भाई संजय गुप्ता जी, हमारे साथ राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं गुजरात के प्रभारी, हमारे साथ युवा मोर्चा में काम किए हुए भाई आदरणीय मनीष सिंह जी, हमारे साथ युवा मोर्चा में नव दायित्व में उपाध्यक्ष के रूप में भाई आदरणीय पिंकू मेहता जी और हमारे बड़े भाई मनोज शर्मा जी भी इस मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी नेतागण का जो आशीर्वाद आज मिला है, आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर पे बिहार इस बार युवा मोर्चा 2024 से लेकर 25 तक 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2025 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार और देश को फतह करेगा, ये निश्चित तौर पे एकदम हम युवा साथियों को, हम सभी युवा साथियों को कंधे से कंधा मिलाकर पूरे बिहार में एक अलग मिसाल कायम करना है। और जो ये घमंडिया सरकार जो गठबंधन बना के जो अपना जो विचारधारा जो बिहार में चलाना चाह रही है, उस विचारधारा को हम लोग को अपने बिहार में नहीं देना है। उनको एकदम जड़ से खत्म करने का जिम्मेवारी हम युवा मोर्चा के आज कंधों पर है। तो आप सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी जिला के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं हम लोग को आशीर्वाद देने, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक सूचना था कि अभी सभी लोगों को भोजन करना है, भोजन के बाद ही। और तो आपने देखा कि बिहार बीजेपी कार्यालय में आज संगठन का विस्तार किया गया और सीमांत शेखर को बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वहीं इस मौके पर सीमांत शेखर ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तथा 2025 के चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में फतेह हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार अपना जो विचारधारा बिहार में चलाना चाहती है, उस विचारधारा को पनपने नहीं देना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।